भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान स्टार्ट हुआ है। इस सदस्यता अभियान के शुरू करने के निमित्त यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें के ये बताया गया पार्टी की तरफ से कि हमने कैसे सदस्यता करनी है, किस व्यक्ति को कितनी सदस्यता का टारगेट दिया गया है। तो ऐसे करके 2.5 लाख मेंबर हम लोग अम्बाला जिले के बनाने वाले। सर, कांग्रेस के सांसद है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने खुलेआम नकल राज चल रहा है, ट्वीट किया आज। देखिए, वो ट्विटर नेता हैं, कहीं से भी फेक फोटो खिंचवाते हैं और भेज देते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। चुपचाप बैठ गए तो उनका अस्तित्व भी चला जाएगा। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो उनको झांकना भी चाहिए अपने गिरेबा के अंदर भी। हमने तो बहुत प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए तमाम प्रकार के संसाधन भी हमने स्कूलों को उपलब्ध कराए हैं, हर सेंटर पे उपलब्ध करवाए हैं कि भाई कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो पाए। फिर भी अगर कहीं से कोई इस तरह की बात निकल के सामने आई है या आती है, उन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप सर शिक्षा मंत्री भी हैं, वो ये बात साथ में कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है, हरियाणा में फेक डिग्रीज देते हैं कॉलेज, वो सब बातें भी कह रहे हैं। देखिए, पता नहीं कहाँ से ये जानकारी दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी आप एक बार कंप्लेंट्स करिए, उस मामले को संज्ञान में लेंगे अगर ऐसा कोई बात है तो। और जो भी इतने बड़े नेता कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता हो कि भाई उसकी बात में दम हो, अगर दम है तो उसकी एक शिकायत दें, जरूर अमल में लेके आएंगे। महिपाल जी, आपको शिक्षा विभाग मिला, प्राइवेट स्कूल बहुत हैं हरियाणा में और अच्छा रिजल्ट देते हैं, सारा कुछ करते हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स वहाँ पर हैं, ना तो उनको पेमेंट कटता उनका, ना उनको ग्रेचुटी मिलती है, ना मैंडेटेड लेवल। देखिए, मेरा निवेदन कुछ इसमें कोई इनका प्राइवेट स्कूल में जो एम्प्लॉय हैं वो कोई अपनी एक इस तरह की बात लिखित में हम लोगों को दे दें ताकि हम लोग उसके ऊपर अमल करो। आपके हाथ में आया महकमा ही, मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जब तक कोई बात लिखित में नहीं आएगी तब तक मैं उस पर क्या कर सकता हूँ।